नहीं रहता हूँ तो मत भक्ता जत्र गायंती। कहते कौन? तो जो मेरे सच्चे भक्त है, ये जो मेरे सच्चे पुत्र कन्या है, वह जहाँ आत्मसमर्पण करके दोनों हाथ उठा के मेरी कीर्तन करते हैं, मेरी भजन करते हैं, मुझे बुलाते हैं, तो मैं वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। सच्चे भक्तों के, सरस भक्तों के हृदय ही मेरा राजधानी बन जाता है, कैपिटल बिंदु बन जाता है। मैं वहीं विराजमान रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। अब आइए, बोले अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्न भाख सो अपि पाप विमुक्ते मुच्यते भववंदना। अपि चेत सुदुराचारो, कहते दुराचारी ही नहीं, सुदुराचारी पापी नहीं, महापापी भी क्यों ना हो। अपिचे सुदुराचारो भजते मामन्न भाख, अगर वह पापी दुनिया में कोई अपने को समझ रहे हैं, तो अगर वह क्या करते हैं, हमारी भजना करते हैं, हमारी कीर्तन करते हैं, बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र का जप करते हैं, मत भक्त। अपिचे सुदुराचारो भजते मामन्न सो पापी निमुक्तो उच्यते भववंदना, उनके सभी पापों का मैं अपहरण कर लेता हूँ और मैं उनको अपने शरण में लेके उनका भवसागर यानी मुक्त मुक्ति, उनकी जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति करा देता हूँ। तो ऐसे भक्त जो है तो क्या करते हैं, बाबा बोलते हैं कि देखो जी, जो मेरी कीर्तन करते हैं मानो उसका कल्याण हो गया, जो नहीं करते हैं अगर सुनते भी हैं तो उनका भी कल्याण होगा। जो नहीं सुनना चाहते हैं कीर्तन को, बैर भाव से गाली दे के भी हमको अगर उनके कानों तक इस कीर्तन का आवाज को पहुंचा देते हो तो उनका भी कल्याण होगा जी। तो हम लोग को क्या करना है, इसलिए बाबा दिए हरि परिमंडल गोष्ठी। तो हम लोग क्या है, एक हरि परिमंडल, सब आदमी मिलके जो हम लोग कीर्तन कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, हरि परिमंडल। तो इस हरि परिमंडल के माध्यम से पहले बाबा बोलते हैं कि अपने घर को जो है साफ करो, परिष्कार करो, कीर्तन करो, दोनों हाथ उठा के कीर्तन करो, आत्मसमर्पण करके कीर्तन करो और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी कीर्तन कराओ, और इतना ही नहीं एक मोहल्ला में कीर्तन कराओ।